आए यहाँ रस वर्षा को, लूट नहीं रस का खजाना मत भूलिए, कविता में कोई बात अच्छी लग जाए तो उसे दिल में सजाना मत भूलिए, और कवियों की बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार ताली बजाना मत भूलिए। तो आप सबकी तालियां पोलियो ड्रॉप का काम करती हैं, ताली बजाते रहिए। कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द में भी रवानी चाहिए। संजीव भैया, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द में भी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। आज की रात कितनी सुहानी बनी, आज की रात रात रानी बनी, और माँ शारदे के सुमन जहां भी खिले, माँ शारदे की वही राजधानी बनी। प्यार की तो मीठी मीठी बोली आने वाली है, पिचकारियों में रंग भरी गोली आने वाली है। प्यार की तो मीठी मीठी बोली आने वाली है, पिचकारियों में रंग भरी गोली आने वाली है, मन में छाया उल्लास खुशियां घर आई, प्रेम बरसाने वाली होली आने वाली है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, मातृशक्ति यहां पर उपस्थित है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कि कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, आप लोगों का मन चाहता हूं, चेतना चाहता हूं, कि कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बनकर भ्रमर गुलबदन पे मिटे। कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बनकर भ्रमर गुलबदन पे मिटे, और मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, वो अमर हो गए जो वतन पर मिटे। या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कहीं पर किसी ने लिखा, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन सच लिखने से हिचकिचाएगी कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। कविता क्या होती है, कासे कल्पना वासे विचार तासे तालमेल, कल्पना और विचारों का तालमेल, ये कविता होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है। फीलिंग्स, लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है, किसी जन के हृदय में झांकने का नाम कविता है। हमने आपके दिल की बात कह दी और आपने ताली बजाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दर्द हमारे अंदर है वो दर्द आपके अंदर भी है। लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है, किसी जन के हृदय में झांकने का नाम कविता है। कहां क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बड़ी पैनी निगाह से आंकने का नाम कविता है। देखिए, नारी शक्ति होती है, पुरुष सहन शक्ति होती है। पहले नारी को कहा जाता था अबला, 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 अबला नहीं है, अब तो है सबला, सबला। नारे नहीं, भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपकी शक्ति को। कौन कहता है अबला हो तुम, आपकी तरफ से पढ़ देता हूँ मैं, कि कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, और पूरे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो, जलजला हो तुम। ताली, देखो मैं आपको बता दूं, देखो प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लड़का समझाए तो लड़की नहीं समझती, और लड़की समझाए तो लड़का नहीं समझता, और ये दोनों समझ जाए तो दुनिया वाले नहीं समझते। एक बार आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, मैं तो बच्चों को प्रणाम करता हूँ। एक बार मास्टर साहब ने बच्चों से पूछ लिया, बच्चों बताओ प्यार और मोहब्बत में क्या अंतर है, तो एक लड़का खड़ा हो गया, बोले मास्टर साहब जो अपनी बेटी से करते हो वो तो प्यार है, पर जो मैं आपकी बेटी से करता हूँ वो मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक बात होता है, ताली वाली आप लोग बजाते रहो, मैं माहौल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कविता लिखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है भाभी जी, भाभी जी कविता ऐसे भी लिखी जा सकती है कि मोटा मरता मोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, और सेठ जी की दो बेटी मैं मरता छोटी पर। लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के, लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के,
जो चलाएगा देश को बहुत ही संभाल के। हाय 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 हाय, ताली भी बजाइए फिर आप। लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के, जो चलाएगा देश को बहुत ही संभाल के, और देश में सब जगह मोदी की ही धूम है, वही भविष्य मेरे भारत विशाल के। तो देखिए मोदी जी ने बिल्कुल ठीक काम किया। मोदी जी ने 3 मंत्रालय महिलाओं को दिए, मालूम है भाई साहब आपको? सबसे पहला मंत्रालय कौन सा दिया मोदी जी ने? मंत्रालय कौन सा दिया? सबसे पहला दिया विदेश मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय सूचना और प्रसार, और तीसरा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय। मोदी जी ने विदेश मंत्रालय महिलाओं को इसलिए दिया कि महिला से ज़्यादा पड़ोसी की खबर कोई निकाल ही नहीं सकता। सूचना और प्रसार, आप लोग जानते हैं महिलाओं से ज़्यादा सूचना और प्रसार कोई कर ही नहीं सकता। और रक्षा मंत्रालय महिलाओं को इसलिए दिया कि महिलाओं से कोई जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ भाई साहब हमारे। नहीं बिल्कुल ठीक, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, हमारे अध्यक्ष जी मंच पर बैठे हैं कमल सक्सेना जी, वो अडवाणी जी को साथ में ले जाते हैं। मोदी जी अडवाणी जी को साथ में ले जाते हैं और कहते हैं भाइयों और बहनों, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ, और ये जो कुछ भी हैं वो मेरी वजह से है। कॉन्सेप्ट देखिए, मतलब उसने एक कप में चाय पी, क्या मोहब्बत की इम्तहान देखी। अच्छा मैं इसीलिए मैं एक बात को कहता हूँ सरदार जी, कि कुंवारे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि पड़ोसी की नज़र में वो गिद्ध होते हैं। क्या बात है, बहुत बिल्कुल ठीक बात है। कुंवारों का कोई भरोसा नहीं है। मोहब्बत, मोहब्बत चीज ही ऐसी, मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है। मोहब्बत है क्या भाई साहब? मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है, कभी पिक्चर दिखाना है, कभी साड़ी दिलानी है। मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है, कभी पिक्चर दिखाना है, कभी साड़ी दिलानी है। और मास्टर पूछते हैं कहाँ हैं फीस के पैसे, उन्हें मैं कैसे समझाऊं मुझे लड़की पटानी है। जिनके ख्वाबों में परी बनके उड़ी है औरत, जिनके ख्वाबों में परी बनके उड़ी है औरत, उनसे कह दो लोहे की छड़ी है औरत। जिनके ख्वाबों में परी बनके उड़ी है औरत, उनसे कह दो लोहे की छड़ी है औरत। और सती सावित्री कहे जो इसे ठगते रहे सदा, उनके सामने दुर्गा सी खड़ी है औरत।